शहर को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन जमीनी कार्रवाई के लिए उतरा है। टीम ने पहले उन निर्माणों की निशानदेही की जिन्हें नियमों की अनदेखी पर बनाया गया है, फिर नोटिस के बाद विभाग के पीले पंजे ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की ऐसी ही कार्रवाई रेवाड़ी के ग्रीन बेल्ट एरिया में की गई, जहां हाईवे पर ग्रीन बेल्ट में बनी होटल की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और होटल का फूड कोर्ट और दुकानें हटा दी गई। रेवाड़ी जैसा नजारा ही झज्जर में दिखा। झज्जर के जाखोदा गांव के पास बसे अवैध औद्योगिक क्षेत्र में जमकर तोड़फोड़ की गई। डीटीपी ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई निर्माणाधीन फैक्ट्रियों को तोड़ दिया और कई प्लांटों की चार दीवारों को भी गिराया गया। पादरगढ़ कंट्रोल एरिया डिक्लेयर बहुत पहले है और ये अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी, जिसको बार बार नोटिस दिए गए, लोगों को मौके पर आकर समझाया भी गया, एक बार में भी आया, लेकिन लोग नहीं मान रहे। गैर कानूनी कॉलोनी काट के ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और सब ऐसे ही मतलब बगैर परमिशन के बने हुए हैं। इसलिए कंट्रोल एरिया के जो कार्रवाई की गई, उनको प्रॉपर नोटिस दे गए। संदेश है, संदेश यही है भाई, नेक्स्ट टाइम जब आइए खाली कर लें अपना, कुछ आज ऐसे ही छोड़ दिए गए सामान था, ये अपना खाली कर लें, अगली बार ये बिल्कुल आपको हटा लें, इनका मौका देगा, नहीं तो फिर सामान बीच में आएगा, ये तोड़फोड़ जारी रहेगी। दरअसल सरकार ने जब अवैध कॉलोनियों को पक्का करने का फैसला लिया तो भू माफिया ने लोगों को गलत जानकारी देकर नई अवैध कॉलोनियां बसाना और प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार का ये फैसला पहले से बसी कॉलोनियों के लिए था। अब ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अम्बाला के बाजारों में भी देखी गई, जहां दुकानदारों का दुकान के बाहर रखा सामान बाजार में जाम की वजह बनता रहा। कमिश्नर साहब के आदेश है हमारे, यहां की रोज समस्याएं आ रही थी, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी यहां से, तो इसलिए ये रास्ता खुलवाया गया है। हाँ, वो भी चलाया जा रहा है, जहाँ जरूरत लगी है हमने वहाँ से तोड़फोड़ की है। इस कार्रवाई के साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है, अगर फिर से दुकानों के बाहर अतिक्रमण दिखाई दिया तो प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सूर्य समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा, झज्जर से प्रदीप धनखड़ और अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।